ओके बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा देखिए, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ टाइम एंड वर्क। गौर से समझना, आज जो चैप्टर होगा बेटा वो होगा स्टार्ट, हम करेंगे अब टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, गौर से समझिए। जिसे हिंदी में कहते हैं बेटा समय तथा कार्य, समय तथा कार्य, ठीक है भाई। अब गौर से समझना जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा, ये चैप्टर को गौर से समझ लीजिए। ये चैप्टर क्या है, पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट की, उसके बाद ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बेटा देखिए, न्यूमेरिकल्स देखो, ये चैप्टर ये कहता है कि अगर आपके पास कुछ कार्य है, इफ़ देयर इज़ सम वर्क, अगर कोई कार्य है तो उस कार्य को पूरा होने में गारंटेड कुछ ना कुछ क्या लगेगा बेटा, टाइम लगेगा। यानी कि उस कार्य को पूरा होने में क्या लगेगा बेटा, कुछ ना कुछ समय ज़रूर लगेगा। मैंने कहा कार्य को W से डिनोट कर दिया, टाइम को T से डिनोट कर दिया। यानी कि अगर कोई कार्य होगा तो उसको कार्य को पूरा होने के लिए कुछ ना कुछ टाइम की ज़रूरत होती है। लेकिन आप बताइए, वो जो कार्य है वो उतने समय में कब पूरा होगा? वो कार्य उस समय में तभी पूरा हो सकता है जब उस टाइम के हर यूनिट ऑफ टाइम पर कुछ ना कुछ काम हो। जो आप हर यूनिट ऑफ टाइम पर कुछ ना कुछ काम करोगे उसे हम बोलेंगे एफिशिएंसी। क्या बोलेंगे बेटा? एफिशिएंसी, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे क्षमता। तो क्षमता जो होता है वो क्या होता है, तो क्षमता को पहले समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो बेटा ध्यान रखना, क्षमता का मतलब होता है एक यूनिट समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है बेटा, क्षमता कहलाती है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ध्यान रखना। एक यूनिट समय, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि समय का कितना यूनिट होना चाहिए, एक यूनिट। उस एक यूनिट समय के अंदर जो भी कार्य किया जाएगा वही कार्य आपका क्या कहलाया जाएगा बेटा, क्षमता कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा? क्षमता। तो एक यूनिट समय में जो काम होगा उसे हम क्षमता कहेंगे। जबकि जो ये कार्य है, ये कौन सा कार्य है, तो ये आपका टोटल वर्क है। ये कौन सा वर्क है बेटा? आपका टोटल वर्क है। ये आपका कुल कार्य है जो आपको करना है, कितने समय के अंदर, टी टाइम के अंदर। तो अब आप यहाँ से अगर एक फॉर्मूला जनरेट करूँ तो आप बताइए, टी टाइम के अंदर कितना काम करेंगे आप, डब्ल्यू यूनिट। अगर टी टाइम में डब्ल्यू यूनिट काम करेंगे तो एक यूनिट टाइम में कितना काम करेंगे, तो डब्ल्यू अपॉन टी। और यही डब्ल्यू अपॉन टी क्या कहलाई जाएगी बेटा, क्षमता। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला एक जनरेट हो गया, तो कि जो एफिशिएंसी होती है दैट इज़ ऑलवेज बी इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? तो एफिशिएंसी जो होती है वो होती है वर्क डन अपॉन टाइम। सर समझ में आई बात? अगर एफिशिएंसी वर्क डन अपॉन टाइम होती है तो आप मोटा मोटा बताइए, आप मोटा मोटा मुझे ये बताइए, क्या मैं कह सकता हूँ कि एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। तो इस चैप्टर के अंदर ध्यान रखना, सबसे इम्पोर्टेंट बात बस यही है कि आप जो ये चैप्टर पढ़ रहे हो, आप हर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक ही पैरामीटर निकालोगे, और वो क्या निकालोगे बेटा, दैट इज़ टाइम। क्या निकालोगे बेटा? दैट इज़ टाइम। और वो टाइम किसके बराबर होगा? कितना कार्य किया जा रहा है और कितनी क्षमता से किया जा रहा है। क्षमता का मतलब है पर डे वर्क या पर हावर वर्क या पर मिनट वर्क या पर सेकेंड वर्क। यानी कि आप एक सेकंड में कितना काम कर रहे हैं, या आप एक मिनट में कितना काम कर रहे हैं, या आप एक घंटे में कितना काम कर रहे हैं, या आप एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ये डिफाइन करेगी हमारी क्षमता को। बोलो क्लियर है या नहीं है? और उस क्षमता के हिसाब से हम टोटल कितना काम कर रहे हैं, दैट इज़ वर्क। और दैट वर्क अपॉन एफिशिएंसी इज ऑलवेज बी इक्वल टू टाइम। और गौर से सुन लीजिए, अब इस चैप्टर को बेसिकली आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की अगर बात करें तो उस न्यूमेरिकल में हम हमेशा सिर्फ और सिर्फ हर क्वेश्चन में टाइम निकाला करेंगे। और टाइम सिर्फ दो ही बातों पे डिपेंड करेगा, दैट इज़ वर्क एंड दैट इज़ एफिशिएंसी। तो बस इस चैप्टर में हमें दो ही बातें निकालनी सीखनी है, दैट इज़ वर्क और एफिशिएंसी। सर क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये चैप्टर क्या कहता है एक बार फिर मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो ये चैप्टर कहता है कि अगर कुछ कार्य है उसको समय पूरा होने में कुछ ना कुछ समय चाहिए, लेकिन वो कार्य उतने समय में तब पूरा होगा जब हर यूनिट ऑफ टाइम पे कुछ ना कुछ काम होगा, जिसे हम बोलेंगे एफिशिएंसी। और वही एफिशिएंसी होती है वर्क डन अपॉन टाइम, मतलब टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। बोलो क्लियर हुआ? यानी कि इस चैप्टर में अगर आपको टाइम निकालना है तो सिर्फ दो ही पैरामीटर पर बात करनी है, दैट इज़ वर्क और एफिशिएंसी। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए भाई, आपको अगर ये बात समझ में आ गई हो तो मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। अब गौर से समझना इस चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अब वो गौर से सुनना। इस चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, पहले मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, गौर से सुनिए।
तो कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, अब मैं न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, आई एम डिस्कसिंग द न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स। इस चैप्टर के मैं न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, गौर से समझना, ठीक है भाई। न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट समझिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो ध्यान रखना, पहला कॉन्सेप्ट क्या है, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट पहला क्या है वो समझिए। तो पहला न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इस चैप्टर के अंदर जो टोटल वर्क होगा, जो टोटल वर्क होगा मतलब जो कुल कार्य होगा वो सभी के लिए समान होगा। जो कुल कार्य होगा वो सभी के लिए क्या होगा बेटा, सेम होगा, मतलब वो सभी के लिए समान रहेगा। कहने का मतलब, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द न्यूमेरिकल्स। क्यों क्यों ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो काम टोटल वर्क बराबर होने का मतलब क्या हुआ, टोटल वर्क बराबर होने का मतलब हुआ कि जिस काम को ए व्यक्ति करेगा उसी काम को व्यक्ति बी को करना पड़ेगा, उसी काम को उन दोनों को मिलकर करना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि वर्क सभी के लिए क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक। अब दूसरी बात यहीं से निकल के आई, ये मैथमेटिक्स ये कहती है कि अगर आपके पास बहुत सारी वैल्यूज हैं, जैसा कि आपको क्वेश्चन में टाइम दिया जाएगा T1, T2, T3, डॉट 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 TN, अगर आपको ये बात पता है कि अगर बहुत सारी वैल्यूज के लिए कोई वैल्यू कॉमन है, अगर कोई वैल्यू कॉमन है तो आप उस कॉमन वैल्यू को निकाल सकते हो। अगर आपको ये पता है कि बहुत सारी वैल्यूज़ के लिए कोई एक वैल्यू सेम है, जो कि इस चैप्टर में वही सेम वैल्यू किसको नोट करेगी, टोटल वर्क को, तो आप उस, तो यहाँ पर सभी व्यक्तियों के लिए क्या चीज़ सेम रहेगी बेटा, वर्क सेम रहेगा। क्या चीज़ सेम रहेगी बेटा, वर्क सेम रहेगा। और पूरी मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर कोई वेरिएबल अगर सभी के लिए सेम है तो उस वेरिएबल को आप निकालेंगे उन सभी वैल्यूज़ के LCM से। यानी कि इस चैप्टर के अंदर जो वर्क होगा अगर उसे आप मानना चाहते हो, क्योंकि वो सभी के लिए क्या है, सेम, तो आप कुछ नहीं किया करेंगे, आप उस वर्क को सभी वैल्यूज़ के कॉमन मल्टीपल से मान लेंगे। बोलो क्लियर है। और जैसे आप उस वर्क को कॉमन मल्टीपल से मान लेंगे, आपके सामने वर्क आ गया, आपको क्वेश्चन में टाइम दे रखा है, टाइम से जब आप वर्क को डिवाइड करेंगे तो आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी, मतलब पर डे वर्क आ जाएगा, यानी कि एक दिन का काम आ जाएगा कि एक दिन में कितना काम हो रहा है। और यही तीन पैरामीटर होते हैं इस चैप्टर में, वर्क, टाइम और एफिशिएंसी। बोलो क्लियर हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है, क्योंकि इस चैप्टर में वर्क सेम है, इसलिए इस चैप्टर के अंदर वर्क को अगर कभी मानना हो तो जो भी आपको टाइम दिए जाएं उनके कॉमन मल्टीपल से आप उस वर्क को मान लीजिए। बोलो क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट, कहने का क्या मतलब है वो आप समझिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, वो गौर से सुनिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैंने कहा एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। मैंने कहा व्यक्ति ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, कितने दिन में कर सकता है, 6 दिन में। और व्यक्ति बी उस काम को 8 दिन में कर सकता है, कितने दिन में कर सकता है, 8 दिन में। तो आप ये बताइए कि जो काम 6 दिन में ए कर रहा है उसी काम को तो बी 8 दिन में करेगा, क्योंकि वर्क सभी के लिए क्या रहेगा, सेम। इसका मतलब 6 दिन का काम और 8 दिन का काम सेम है। तो बेटा ये जो वर्क होगा इसे आप मान लोगे किससे, कॉमन मल्टीपल से। यानी कि आप एक ऐसी वैल्यू मानो जो 6 से भी कटे और जो 8 से भी कटे। तो वो मानने का बेहतरीन तरीका क्या है, वो भी तरीका बता रहा हूँ। आप बताओ दोनों नंबर किससे कट रहे हैं, तो आप 2 को पहले लिख दीजिए, 2 से कट रहे हैं। और क्या क्या बच गया बेटा वो देख लो, तो 2 3 यहाँ से 3 बच गया और 2 4 यहाँ से 4 बच गया। तो गुणा करके देखिए, 2 3 6 4 24, तो आप वर्क को 24 यूनिट मान सकते हैं। बोलो क्लियर हुआ। फिर सुन लीजिए, दोनों नंबर किससे कट रहे हैं बेटा आप बताइए, 2 से। दोनों नंबर किससे कट रहे हैं, 2 से, पहले 2 को लिख दीजिए, जो जो नंबर बच गया वो देख लीजिए, 2 3 3 बच गया, 2 4 4 बच गया, तो 2 3 6 4 24, तो आपका वर्क हो गया एक तरह से तुम्हारे अकॉर्डिंग 24। ये जरूरी नहीं कि 24 ही मानना है, 24 मानो, 48 मानो, 72 मानो, 120 मानो, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन आप छोटी छोटी वैल्यू मानोगे तो जल्दी से आंसर आ जाएगा। अब देखिए भाई, क्वेश्चन में समझना एक इंपॉर्टेंट बात, बेटा 6 दिन में ए कर रहा था, 8 दिन में बी कर रहा था, तो बेटा ये आपको क्या दे रखे थे बेटा क्वेश्चन में, टाइम। और इन टाइम की हेल्प से आपने क्या मान लिया बेटा, वर्क। और वर्क कितना मान लिया बेटा आपने, 24 यूनिट। कितने यूनिट मान लिया, 24 यूनिट। अब आप बताइए, ए अगर 6 दिन में 24 यूनिट करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में काम करेगा 4 यूनिट। बेटा यही क्या हो जाएगी आपकी एफिशिएंसी। और व्यक्ति भी 8 दिन में अगर 24 करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट। एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट। ये हो गई बी की एफिशिएंसी। बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ,
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको टाइम दे दिया जाए तो उनके कॉमन मल्टीपल से आप क्या मान लेंगे, वर्क, और जैसे ही वर्क आ गया तो आप टाइम से डिवाइड करके क्या निकालेंगे बेटा, एफिशिएंसी। और इस चैप्टर में तीन ही पैरामीटर की जरूरत होती है, वर्क, टाइम और एफिशिएंसी। बोलो क्लियर हुआ। चलिए भाई अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है वो गौर से सुनिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब वो यहाँ पर देखिए, अब आप तीसरा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, गौर से समझना बेटा। हेलो, तीसरा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, गौर से समझिए बेटा। आप सभी के सभी जानते हो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है, होता है या नहीं होता, और वर्क सभी के लिए सेम रहता है। तो वर्क को तो हटा दो, तो आप बताइए बेटा टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के कैसे बनेंगे। तो आप बताओ ये रिलेशन कैसा है, टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के व्युत्क्रम है, इनवर्स है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि एफिशिएंसी और जो टाइम होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। सर ध्यान रखना, हम ये कहेंगे कि जो एक व्यक्ति का टाइम होगा उसका उल्टा होगा एफिशिएंसी, और जो एफिशिएंसी होगा उसका उल्टा होगा टाइम। व्युत्क्रमानुपाती का होने का मतलब होता है उल्टा होना। क्या होना बेटा, उल्टा होना। कहने का मतलब क्या है, अब एग्जाम्पल से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, व्युत्क्रम का मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ समझिए। व्युत्क्रम का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए कि एफिशिएंसी मान लीजिए आधा हो गई, कितना हो गई बेटा आधा, तो टाइम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो टाइम पर प्रभाव पड़ेगा उल्टा, मतलब टाइम हो जाएगा दो गुना। सर समझ में आई बात, अगर मैंने कहा कि एफिशिएंसी है 3/4 तो इसका मतलब टाइम हो जाएगा उल्टा होके 4/3। अगर मैंने कहा कि एफिशिएंसी हो गई 1/3 एक तिहाई, तो टाइम कितना हो जाएगा, तो टाइम हो जाएगा उल्टा, मतलब तीन गुना। बोलो क्लियर हुआ। कहने का मतलब यह है कि एफिशिएंसी जो होगी उसका उल्टा इफेक्ट जाएगा टाइम पर, और जो टाइम होगा उसका उल्टा इफेक्ट जाएगा एफिशिएंसी पर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यहीं से मुझे एक बात समझ में आई कि इनके रेशियो भी उल्टे होंगे। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर मान लीजिए मैंने कहा कि एफिशिएंसी का रेशियो, अगर दो व्यक्तियों की एफिशिएंसी का रेशियो अगर मान लीजिए 2:3 है, तो उनके जो टाइम का अनुपात होगा वो हो जाएगा 3:2। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक। तो मैं कहूँगा कि एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा उसका उल्टा रेशियो किसका होगा बेटा, टाइम का। दैट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, एंड टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एफिशिएंसी। बस ये तीन कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, अगर ये सारी बातें समझ गए तो आपको सारा चैप्टर समझ आ जाएगा। पहले आप ये देखिए जल्दी फास्ट मैंने क्या बोला, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ जल्दी फास्ट। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी फास्ट फास्ट। जो जो मैंने बताया वो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा वही आप काम करेंगे जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट। एफिशिएंसी का उल्टा टाइम और टाइम का उल्टा एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का उल्टा टाइम और टाइम का उल्टा एफिशिएंसी। चलिए भाई अगर आपको यह समझ आ गया हो तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, गौर से समझना भाई। देखिए पहली बात अब गौर से सुन लीजिए, एफिशिएंसी का उल्टा होता है टाइम, टाइम का उल्टा होता है एफिशिएंसी। यहां से मैं कुछ बात बताना चाहता हूं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एफिशिएंसी का उल्टा क्या होता है बेटा, टाइम होता है। बोलो क्लियर है, इस बात को थोड़ा समझ लो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इस बात को थोड़ा समझ लो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एफिशिएंसी का उल्टा क्या होता है टाइम, टाइम का उल्टा होता है एफिशिएंसी। तो एक बात समझिए विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को मैं थोड़ा समझा रहा हूँ तो गौर से समझना भाई, गौर से समझना प्लीज़। तो इस बात के थोड़े मतलब बताऊँगा मैं, वो मतलब समझ लेना। पहला मतलब सुनिए अब इसका, इसका पहला मतलब तो ये है कि एफिशिएंसी हुई आधी तो टाइम पर प्रभाव पड़ेगा उल्टा होके दो गुना, एफिशिएंसी हुई तीन गुना तो टाइम पर फर्क पड़ेगा 1/3, एफिशिएंसी हुई 2/5 गुना तो टाइम पर प्रभाव पड़ेगा 5/2। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक। तो पहली बात तो ये सबको समझ आ गई, एफिशिएंसी उल्टा होने का, एफिशिएंसी का उल्टा टाइम, टाइम का उल्टा एफिशिएंसी। इसका दूसरा मतलब समझिए, मैंने कहा एफिशिएंसी का अनुपात है 3:5, तो आप बताइए टाइम का अनुपात क्या होगा, तो टाइम का अनुपात होगा बेटा 5:3। बोलो क्लियर हुआ, आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है, लेकिन अब तुम सबके सब फेल हो जाओगे। एफिशिएंसी का उल्टा अनुपात है 2:5:4, 5:7,
तो आप बताइए टाइम का अनुपात क्या होगा। तो आधे लोग कहते हैं इसे उल्टा कर दो, क्योंकि यहाँ उल्टा हुआ तो यहाँ उल्टा मार दो। तो आधे लोग कहेंगे 7 5 2। मेरे लल्ला ध्यान रखना यही गलत हो जाएगा, उल्टा होने का मतलब ये नहीं है, ध्यान रख लेना। आप ऐसा मत कर देना कि पलट देना, दो वैल्यूज थी उन्हें पलट दिया, तुम कह रहे हो उल्टा होने का मतलब है कि जस्ट पलटना, ये गलत बात है। तो उल्टा होने का मतलब वास्तव में क्या होता है, उल्टा होने का मतलब होता है वैल्यूज का उल्टा होना। कहने का मतलब ये है कि एफिशिएंसी का रेशियो 2:5:7 है, तो जो टाइम का अनुपात होगा वो वैल्यूज का उल्टा होगा, 1:2 / 1/5 / 1/7। बोलो क्लियर हुआ, 1/7 समझ में आया बात भाई। तो आपकी अगर एफिशिएंसी का रेशियो अगर ये है तो टाइम का रेशियो ये बनेगा, लेकिन ये टाइम का रेशियो फ्रैक्शन में आ गया, इस फ्रैक्शन को अगर इंटीजर बनाना है तो नीचे वाली वैल्यूज खत्म करनी है, नीचे वाली वैल्यू खत्म करनी है तो गुणा किससे करना पड़ेगा, तो 2 और 5 का मल्टीपल हो गया 10 और 10 × 7 हो गया 70। तो पहले 70 से गुणा कर दोगे तो यही टाइम का जो रेशियो फ्रैक्शन में है ये इंटीजर में चला जाएगा। तो 2 से 70 कटेगा कितने बार बेटा, 35 बार। अनुपात 1/5 करोगे तो 5 से कटेगा 14 बार। अनुपात बेटा 7 से कटेगा ये 10 बार। तो आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज 35:14:10। लेकिन ध्यान रखना हम कभी भी ये काम नहीं करेंगे, हम ये कभी काम नहीं करेंगे। हम कौन सा रूल लगाएंगे तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ शॉर्टकट। मैं आपको उल्टा करने की शॉर्टकट बता रहा हूँ और वो शॉर्टकट होती है हाइड गेम। कौन सा गेम बेटा, हाइड गेम। हाइड गेम क्या कहता है, हाइड गेम ये कहता है, गौर से सुन लो, हाइड गेम ये कहता है कि एक वेरिएबल अगर दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, अगर एक संख्या दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है और आपको एक की वैल्यू पता है और दूसरे का अनुपात निकालना है, तो आप हाइड गेम लगा सकते हैं। हाइड गेम ये कहता है कि जो निकालना है उसे छुपा लो, जो निकालना है उसे छुपा लो, जो वैल्यूज बच गई उनका गुणा करो, और गुणा करने पर जो वैल्यू आए वो उसकी है जिसे छुपाया है, दैट इज नोन एज अ हाइड गेम। इसे कहते हैं हम हाइड गेम। क्या बोल रहा हूँ फिर दोबारा सुनिए, जो निकालना है उसे छुपा लीजिए, जो बचा है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी वो उसकी है जिसे छुपाया है, ये होता है हाइड गेम। अगर ये काम करोगे तो यही आंसर एक लाइन में आ जाता, यानी कि आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत ना पड़ती। कहने का मतलब अगर ए को निकालना है तो ए को छुपा लो, अगर ए को निकालना है तो ए को छुपा लो, इन दोनों वैल्यूज का गुणा करो तो 7 × 5 = 35, यही मान ए का आएगा, यही मान किसका आएगा बेटा, ए का। समझ गए क्या। अब आप बताइए बी निकालना है तो बी को छुपा लो, बी को छुपा लो, अब जो बचा उनका गुणा कर दीजिए, अब जो बचा उनका गुणा कर दीजिए तो 7 × 2 = 14, ये मान बी का आएगा। अरे क्लियर है। और अगर अब आपको अगर सी निकालना है, अगर आपको क्या निकालना है बेटा आप बताइए, सी निकालना है तो एक काम करिए, अब सी को छुपा लीजिए, अगर सी को छुपा लीजिए तो जो बचा उन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 आएगा। चेक करो वही आंसर आया कुछ और आया, तो आप कहेंगे वही आंसर आया। बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि एफिशिएंसी का उल्टा टाइम होता है, टाइम का उल्टा एफिशिएंसी होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कभी भी एफिशिएंसी का रेशियो दिया जाए, टाइम का निकालना हो, टाइम का दे रखा हो, एफिशिएंसी का निकालना हो, तो आप हमेशा कौन सा गेम लगा देंगे, हाइड गेम। बस यही कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसी पॉइंट्स को देखते हुए थोड़ा सा आगे फिर कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, वो गौर से समझना। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ उल्टा होने का, नेक्स्ट मतलब अब गौर से समझना सभी के सभी, प्लीज़ अगली बात को मेरी को गौर से समझना और फिर मैं बता रहा हूँ आपको सारी बातें आगे। तो बेटा गौर से सुनिए, अगली इंपॉर्टेंट बात सुनिए न्यूमेरिकल की ही, अगली इंपॉर्टेंट बात समझिए न्यूमेरिकल्स की, प्लीज़ बेटा गौर से समझेंगे। एफिशिएंसी का उल्टा टाइम होता है, टाइम का उल्टा एफिशिएंसी होता है, इसका नेक्स्ट मतलब क्या है तो गौर से समझिए। मैंने कहा व्यक्ति ए किसी काम को 8 दिन में करता है, कितने दिन में करता है, 8 दिन में, और व्यक्ति बी जो है वो उस काम को करता है मान लीजिए 7 दिन में, कितने दिन में करता है बेटा, 7 दिन में। बोलो ये बात क्लियर है क्या। तो बेटा आपको बताओ ए का टाइम और बी का क्या पता है बेटा आपको, टाइम पता है। बोलो क्लियर है या नहीं है। लेकिन आप सभी जानते हो कि टाइम का अगर मैं उल्टा कर दूं तो क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी। तो आप एक काम करिए इन दोनों को उल्टा करके लिख दीजिए, तो ए ये 8 7 को उल्टा पलट के लिखोगे, दो संख्याओं के लिए पलट दो बातें की है, तो ये 7 यहाँ जाएगा और 8 यहाँ आएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है। तो एक बात बताइए, एक बात आइए, ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, ए की एफिशिएंसी होगी 7 और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 8। बेटा एक बात बताओ उल्टा कर क्यों रहे हो, उल्टा कर क्यों रहे हो, ए को देखो गौर से, ए को देखो गौर से, ए को देखो गौर से, ए का टाइम है 8 दिन, ए का टाइम है 8 दिन, लेकिन ए की एफिशिएंसी है 7, वहीं की वहीं कर लो ना, उल्टा क्यों कर रहे हो। ए का टाइम तो है 8 दिन, लेकिन जब उल्टा करेंगे तो यही 7 तो उसकी एफिशिएंसी बनेगा, तो उल्टा बिल्कुल मत करो,
उल्टा बिल्कुल मत करो भाई, आप डायरेक्ट ये देखो उल्टा करने का मतलब सात ऊपर जाता, एफिशिएंसी बनता, उस चीज को यहीं की ही समझ लो। इसका मतलब व्यक्ति ए का टाइम, व्यक्ति ए का टाइम तो है ये, इसका मतलब ये तो हो गया टाइम, और व्यक्ति ए के लिए ये हो गई एफिशिएंसी। और सभी जानते हो एक एफिशिएंसी माने एक दिन का काम, एक दिन के काम में टाइम का मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। इसका मतलब अगर कभी भी दो व्यक्ति दिए जाएं, अगर कभी भी दो व्यक्ति दिए जाएं तो उन दोनों के टाइम का अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसका मतलब हम मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, टाइम को और एफिशिएंसी को, तो टाइम और एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाता है बेटा वर्क। इसका मतलब कुछ नहीं भाई साहब, सीधा आठ और सात को गुणा कर दो तो गुणा से आपका अट्ठू सत्तू छप्पन जो बनेगा दैट इज वर्क। बोलो क्लियर है या नहीं है? और आप इसी बात को वर्क को तो आप कॉमन मल्टीपल से मानते हैं, आठ और सात का कॉमन मल्टीपल छप्पन मानते हैं। अरे बोलिए यार, तो कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब कभी भी आपको एफिशिएंसी का उल्टा टाइम और टाइम का उल्टा एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का उल्टा टाइम और टाइम का उल्टा एफिशिएंसी, इसका मतलब ये है कि ए का जो टाइम है वो ए का टाइम है लेकिन बी के लिए क्या है वो एफिशिएंसी। और आप ये कहेंगे कि बी का जो टाइम है वो बी के लिए टाइम है लेकिन बी का जो टाइम है वो ए के लिए क्या है एफिशिएंसी। इसका मतलब अगर हमें कभी भी दो टाइम दिए जाएं, कभी भी हमें दो टाइम दिए जाएं तो हम ये मान सकते हैं कि एक तो टाइम है तो दूसरा क्या होगा एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी इनटू टाइम कर दें तो क्या आ जाएगा बेटा वर्क। तो कभी भी दो टाइम दिए जाएं तो उनके गुणा अगर करोगे, उन दोनों का गुणा करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द वर्क डायरेक्टली। आपको वैल्यू किसकी मिलेगी बेटा वर्क की, किसकी वैल्यू मिलेगी बेटा डायरेक्ट वर्क की। बोलो समझ में आ गई बात, बोलो क्लियर हुआ। कहने का मतलब ए का टाइम है आठ और बी का टाइम है सात, अगर दोनों टाइमों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द वर्क, वैल्यू ऑफ द वर्क आपको क्या मिलेगा बेटा वर्क। और आप बताइए यही टाइमों को उल्टा कर दो, एक बताओ अगर मैं उल्टा भी कर दूं, आठ और सात को उल्टा कर दूं तो सात आठ बनेगा तो ये एफिशिएंसी है। तो एक बताओ अगर इन्हें जोड़ूं, ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकालनी है तो चाहे मैं इन दोनों टाइमों को जोड़ दूं आठ सात को, चाहे मैं आठ सात आठ को जोड़ दूं, दोनों में आना तो पंद्रह ही है ना, तो इसका मतलब दोनों टाइमों को अगर जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए बेटा जोड़ दिया जाए, तो जोड़ने से क्या मिल जाएगी आपको एफिशिएंसी मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी एफिशिएंसी। और आप कहेंगे सर ये इतना सब काम दाम क्यों करवा रहे हो, तो इतना ताम झाम मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको सिखाया हुआ है कि आपको हर क्वेश्चन में क्या निकालना है बेटा टाइम, और टाइम होता क्या है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क तो आ जाएगा गुणा से और एफिशिएंसी आ जाएगी जोड़ने से। बोलो क्लियर हुआ, क्वेश्चन वहीं की वहीं खत्म हो जाएगा। बोलो समझ में आई बात या नहीं आई, बोलो समझ में आई या नहीं आई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कभी भी आपको दो टाइम दिए जाएं, कितने टाइम दिए जाएं दो टाइम, अगर कभी भी आपको दो टाइम दिए जाएं तो उन दोनों को गुणा करो, उन दोनों को गुणा करोगे तो आपको वर्क मिलेगा, उन दोनों को जोड़ोगे या घटाओगे तो आपको क्या मिलेगी बेटा एफिशिएंसी, घटाने से और जोड़ने से क्या मिल जाएगी एफिशिएंसी। कॉन्सेप्ट इज ओवर, बोलो समझ में आई बात या नहीं आई। तो एक बात गौर से समझ लीजिए, जब दो टाइम हो, जब कितने टाइम हो दो टाइम, तो आप गौर से समझना बेटा, गौर से जब कितने टाइम दे रखे हों दो टाइम, जब दो टाइम दे रखे हों, दो टाइम गिवन हो आपको, दो टाइम गिवन हो आपको, तो डायरेक्टली आप ये कह सकते हैं जैसे मैंने बोला ए किसी काम को आठ दिन में करता है और बी उस काम को मान लीजिए सात दिन में करता है, तो आप डायरेक्टली बोलेंगे टाइम निकालना है ए प्लस बी का, क्या निकालना है बेटा टाइम ए प्लस बी, तो टाइम होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क तो आ जाएगा गुणा से और ये आ जाएगा बेटा जोड़ने से योग से। बोलो क्लियर हुआ, तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा गुणा कर दो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा छप्पन, और आप बताइए इन दोनों को जोड़ दो तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा पंद्रह, आंसर आ जाएगा छप्पन बटे पंद्रह दिन। बोलो समझ में आई बात, बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, बोलो समझ में आई बात या नहीं आई। तो कहने का मतलब एफिशिएंसी का उल्टा टाइम, टाइम का उल्टा एफिशिएंसी, ये तीन तरह से मैंने आपको बताया, कितने तरह से बताया मैंने आपको कॉन्सेप्ट, तीन तरह से, पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट और तीसरा कॉन्सेप्ट। बोलो क्लियर हुआ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, बात खत्म, जल्दी फास्ट फास्ट, जल्दी फास्ट फास्ट। जल्दी फास्ट फास्ट स्क्रीनशॉट ले लो, बेटा स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फास्ट। चलिए भाई, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो इम्पोर्टेंट बात सुनिए, बस इस चैप्टर के अंदर इम्पोर्टेंट बात सुनिए, पहली इम्पोर्टेंट बात और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, दो ही इम्पोर्टेंट बातें हैं, सुन लीजिए। पहली इम्पोर्टेंट बात है कि इस चैप्टर में टाइम बराबर क्या होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी,
क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। यानी इस चैप्टर के अंदर बस आपको वर्क निकालना है, एफिशिएंसी निकालना है, आपका ये क्वेश्चन मार्क रहेगा, बस आपको ये निकालना है दोनों में, हमेशा हर क्वेश्चन में वर्क और एफिशिएंसी। और वर्क को निकालने के तरीके क्या क्या हैं वो लिख देता हूँ, वर्क को निकालने के तरीके क्या क्या हैं वो लिख देता हूँ। तो वर्क को निकालने का पहला तरीका हो सकता है गुणा करना, एलसीएम मेथड, रेशियो मेथड, और आपका दैट इज रेशियो मेथड, और आपका दैट इज नेक्स्ट वन इज इक्वेशन मेथड। ठीक है, तो ये सारे तरीके होते हैं, नेक्स्ट वन इज इक्वेशन मेथड। ठीक है, तो इस दुनिया में जो वर्क निकालने का तरीका होता है वो चार तरीके हैं, या तो गुणा कर दो, एलसीएम मेथड, रेशियो मेथड, इक्वेशन मेथड। बस आप यही देखेंगे, बात खत्म, बोलो क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट, अगली इंपॉर्टेंट बात गौर से सुन लीजिए कि जो एफिशिएंसी होती है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कैसे प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्स। और ये बात याद रखना कि एफिशिएंसी का रेशियो इंपॉर्टेंट होता है, एफिशिएंसी का रेशियो इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम एफिशिएंसी को जोड़ और घटा सकते हैं। बस खत्म बात, ये दो बातें ध्यान रखना, बात खत्म, दैट्स इट। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, बात खत्म, क्लियर है। दो ही इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखना, बात खत्म, दैट्स इट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। चलिए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप जल्दी, फास्ट बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी फास्ट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन है, आंसर बताएंगे सभी, टेल मी फास्ट। आंसर आ गया होगा एक सेकंड में। चलिए भाई, ये कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि ए किसी काम को 6 दिन में करता है, ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी किसी काम को 8 दिन में करता है, तो ए प्लस बी का टाइम बताओ। तो ए प्लस बी का अगर टाइम बताना है तो डायरेक्ट बताओ ए प्लस बी का टाइम क्या होगा बेटा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क तो आ जाएगा सीधा सीधा गुणा से, और ये आ जाएगा सम से, बोलो क्लियर हुआ। तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा इस क्वेश्चन का, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा दोनों को गुणा कर दो, 6 8 48 और 8 6 14 है, तो डायरेक्ट अगर काटोगे तो आंसर आ जाएगा 24/7 दिन। विच ऑप्शन इज राइट बी, बोलो क्लियर हुआ। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आंसर इज ओवर। टाइम ऑफ ए प्लस बी इज वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी, दैट्स इट। दूसरा तरीका, इसी क्वेश्चन करने का दूसरा तरीका क्या है वो सुनिए, मेथड नंबर टू। इसी क्वेश्चन करने का दूसरा तरीका, दैट इज मेथड नंबर टू, दैट इज एलसीएम मेथड, दैट इज एलसीएम मेथड। वो क्या कहता है, अगर ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी किसी काम को अगर 8 दिन में करता है, तो आप कॉमन मल्टीपल से वर्क मान लें, तो आप ऐसी संख्या बताएं जो 6 से भी कटे और 8 से भी कटे, तो आप कहेंगे 24 यूनिट। तो आप ये मान लीजिए कि हमारे अकॉर्डिंग वर्क 24 यूनिट है, तो 6 दिन में अगर 24 कर रहा है तो एफिशिएंसी बताइए बेटा, ये तो टाइम हो गया, तो 6 दिन में 24, तो एक दिन में कितना आ गया 4, और 8 दिन में 24 तो एक दिन में 3, तो आप बताइए ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या बनेगी। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी बनेगी बेटा 7 यूनिट पर डे। अब आपको टाइम निकालना है, टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो बेटा अभी वर्क कितना है बेटा आपका 24, और एफिशिएंसी कितनी है बेटा 7, तो आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज 24/7। आप ये भी काम कर सकते हैं, नो डाउट, बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए भाई, अगर आपको ये बात क्लियर हो गई हो तो हम अगले क्वेश्चन पर और चलते हैं जल्दी, फास्ट आप आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी के सभी। एसएससी जीडी का नेक्स्ट क्वेश्चन,
आइए भाई, क्वेश्चन में क्या कह रहा है सुन, प्लीज सुनना। देखो व्यक्ति ये किसी काम को 18 दिन में करता है, व्यक्ति भी उस काम को 30 दिन में करता है। आप बताओ इनका एलसीएम लेना है, वर्क मानना है, तो वर्क कैसे? आवाज आ रही है? चेक करूं, चेक करो आवाज आ रही है क्या? टेल मी फास्ट। हाँ देख लिया, देख लिया मैंने, देख लिया। मैं दूसरा माइक ले आया हूँ, चेक करके मुझे बताओ आवाज आ रही है नहीं आ रही। देखो भाई समझना, देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये कह रहा था कि व्यक्ति ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। कितने दिन में पूरा कर सकता है? 18 दिन। और व्यक्ति भी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है बेटा? 30 दिन। तो व्यक्ति भी उस काम को 30 दिन में कर सकता है। आप बताइए दोनों ने काम अगर सेम काम किया है तो दोनों को कॉमन मल्टीपल से हम वर्क मान सकते हैं। अब ये वर्क कैसे निकालें? तो बताओ दोनों नंबर किससे कट रहे हैं बेटा? दोनों नंबर 6 से कट रहे हैं, तो 6 तो मैंने बाहर निकाल लिया। क्या बचा? 6 3 बचा, 6 3 18 होता है, 6 5 30 5 बचा, तो इसे गुणा कर दीजिए, 5 15 6 90। तो आप काम को मान लीजिए 90 यूनिट, कितने यूनिट मान लीजिए? 90 यूनिट। तो 18 दिन में अगर 90 यूनिट करता तो एक दिन में कितने यूनिट करेगा? 5। अगर 30 दिन में 5 यूनिट पर डे और 30 दिन में 90 यूनिट, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3 यूनिट पर डे। अब आप बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखो।
बेटा आवाज आ रही होगी, चेक कर लो, चेक कर लो, आवाज आ गई होगी। चेक कर लो आवाज आ गई होगी, आ गई। अबे इतनी जल्दी क्यों दुखी हो जाते हो हैं? देखिए भाई क्वेश्चन क्या था, प्लीज गौर से सुनिए। अब देखिए क्वेश्चन ये कह रहा था कि व्यक्ति ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। प्लीज सुनना बेटा, प्लीज गौर से सुनना क्या क्वेश्चन था, मैं दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ। व्यक्ति ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, कितने दिन में कर सकता है? 18 दिन में। और व्यक्ति बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है बेटा? 30 दिन में। बोलो क्लियर हुआ? बेटा आप बताइए कि ए जो 18 दिन में काम कर रहा है और बी जो 30 दिन में काम कर रहा है, वो काम सेम है? अगर वो काम सेम है तो वो जो भी वर्क है उसे आप कॉमन मल्टीपल मानेंगे। अब कॉमन मल्टीपल कैसे लेंगे आप? तो मैं आपको सिखा रहा था दोनों नंबर कैसे कट रहे हैं बेटा, 6 से वो 6 ले लो और जो बचा वो और ले लो। तो 6 3 बच गया, 6 3 18 होता है, 6 5 30 5 बच गया। बेटा इन्हें गुणा करोगे तो 5 15 6 90 यूनिट हो गया काम। तो काम अगर मैंने मान लिया 90 यूनिट, तो बेटा बताइए ए 18 दिन में अगर 90 यूनिट कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 5 यूनिट पर डे काम करेगा, 5 यूनिट पर डे काम करेगा। 30 दिन में अगर 90 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3 यूनिट। तो ये काम करेगा 3 यूनिट पर डे। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों ने मिलकर 6 दिन काम किया। तो अगर दोनों ने मिलकर 6 दिन काम किया तो ए प्लस बी आप बताइए एक दिन में कितना काम करेंगे? तो एक दिन में ये 5 करेगा, ये 3 करेगा, तो दोनों मिलकर 8 यूनिट काम करेंगे। तो 8 यूनिट पर डे काम होगा एक दिन में। अगर एक दिन में 8 यूनिट काम होगा तो इन्होंने काम कितने दिन किया है बेटा? 6 दिन। तो बताओ 8 के हिसाब से अगर 6 दिन में काम करेंगे तो 6 दिन में कितना काम कर देंगे बेटा? ये 8 6 48 यूनिट। बोलो क्लियर हुआ? तो 48 यूनिट काम हो चुका है, टोटल वर्क है 90 यूनिट। अभी शेष कितना कार्य बचा है ये चेक करो। तो शेष कार्य को अगर हम चेक करें तो शेष कार्य कितना बचेगा बेटा? टोटल है 90 यूनिट, 90 यूनिट में से कितना हटा दो? 48 यूनिट। तो शेष बचेगा 42 यूनिट काम। तो ये 42 यूनिट काम किया किसने बेटा? सी ने। और कितने दिन में किया है? 7 दिन। तो इसका मतलब सी व्यक्ति 7 दिन में 42 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? एफिशिएंसी पता करो। तो ये एक तरह से आ जाएगी 6 यूनिट पर डे। तो सी की एफिशिएंसी आ गई 6 यूनिट पर डे की। बोलो क्लियर हुआ बेटा? सी की एफिशिएंसी ये रही, ए की एफिशिएंसी एक, बी की एफिशिएंसी ये रही और सी की एफिशिएंसी ये रही। अब आपको टाइम निकालना है किसका? बात खत्म करो। तो आपको टाइम निकालना है किसका बेटा? ए प्लस बी प्लस सी का। तो टाइम अगर निकालना है ए बी और सी का तो टाइम होता क्या है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है बेटा बताइए? 90 यूनिट। और एफिशिएंसी कितनी है बेटा बताइए? ए की 5 प्लस बी की 3 और सी की कितनी होगी बेटा? 6। तो बताइए ये आंसर कितना आएगा? तो आपका आएगा 5 और 3 8 और 6 14। तो आपका ये आंसर आ जाएगा 90/14 दिन। और अगर इसे काटें 2 से तो ये आ जाएगा 45/7 दिन। तो 45/7 ये मेरा आंसर राइट होगा। तो 7 6 42 तो 6 सही। और इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ दैट इज 6 सही 3/7 दिन। तो विच ऑप्शन इज राइट? डी ऑप्शन। चेक करिए जल्दी फास्ट। सर समझ में आए बात आपको? बोलो क्लियर हुआ आपको? चलिए भाई बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी फास्ट, जल्दी फास्ट फास्ट। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, जल्दी फास्ट आंसर बताएंगे आप। यहाँ पे एक आंसर बताना है आपको, वैसा ही जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया, ऐसा ही एक क्वेश्चन है ये, आंसर बताएंगे आप। देखिए भाई क्वेश्चन में ए का टाइम तो मुझे नहीं पता,
लेकिन मुझे बी का टाइम पता है और सी का टाइम पता है, कितने दिन? 30 दिन और 45 दिन। बेटा बताइए बी कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन, और सी कितने दिन में कर सकता है? 45 दिन। तो आप बताओ वही सेम क्वेश्चन है एक तरह से, तो कॉमन मल्टीपल से वर्क मानेंगे, तो कॉमन मल्टीपल से अगर वर्क मानेंगे तो क्या मानेंगे बेटा? दोनों नंबर कैसे कट रहे हैं? 15 से, और क्या क्या बच गया? 15 दूनी 30 और 15 30 45, तो ये 15 चुकी 90। तो आपका वर्क मानने मैंने कितना मान लिया बेटा? 90 यूनिट। अब बताइए 30 दिन में अगर 90 यूनिट काम करता तो एक दिन में कितना काम करेगा बेटा? 3 यूनिट। 45 दिन में 90 यूनिट काम करता तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2 यूनिट। तो बताइए दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? तो बी प्लस सी दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकते हैं। बोलो क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? बी और सी मिलकर एक साथ कितने दिन काम करते हैं? 6 दिन। तो पाँच, अगर ये 6 दिन काम करेंगे, अगर इन्होंने 6 दिन काम किया, अगर 5 के हिसाब से इन्होंने अगर 6 दिन काम किया तो 6 दिन में कितना काम कर देंगे बेटा? 30 यूनिट। तो ये 30 यूनिट काम पूरा हो चुका है। बोलो क्लियर हुआ? टोटल वर्क कितना था? 90। 90 में से 30 यूनिट काम हो चुका है, तो शेष काम जो भी बचेगा बेटा उसे कौन करेगा बेटा बताइए? तो शेष काम उस काम को करेगा बेटा ए, और ए कितना काम करेगा? तो आप ये बता दीजिए 90 माइनस 30, और कितने दिन में काम कर रहा है बेटा इस काम को वो? तो इस काम को कर रहा है वो 12 दिन में। बोलो क्लियर हुआ? तो ये हो गया एक तरह से 60/12। तो यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? तो एफिशिएंसी जो है ए की वो आ जाएगी आपकी 5 यूनिट पर डे। बोलो क्लियर हुआ? तो ए की एफिशिएंसी आ गई 5 यूनिट पर डे। बोलो क्लियर हुई बात? तो ये एफिशिएंसी है, ये क्या है बेटा? उसकी क्षमता। बोलो क्लियर हुआ? अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो चेक कर लीजिए। तो क्वेश्चन में निकलवा रहा है एक्स का मान, और एक्स किसका टाइम है बेटा आप बताइए? ए का। किसका टाइम है? ए का। तो टाइम ऑफ ए निकालना है, तो टाइम ऑफ ए क्या होगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है बेटा बताइए क्वेश्चन में? 90, और एफिशिएंसी कितनी आ गई बेटा? 5। अगर 5 से काटोगे तो आंसर आ जाएगा 18 दिन। सो आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज 18 दिन। विच ऑप्शन इज राइट बेटा? ए ऑप्शन। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए भाई, अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जल्दी फास्ट। बताइए आंसर, ये और आंसर बताइए जल्दी फास्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर बता दीजिए जल्दी फास्ट। बेटा देखिए, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उस काम को 30 दिन में करता है। ए काम को कर रहा है 20 दिन में, बी काम को कर रहा है 30 दिन में। कह रहा है ए प्लस बी कितने दिन में काम कर देंगे? तो ए प्लस बी का अगर टाइम निकालना है तो सीधा सीधा बोलिए वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अगर दो ही काम है, दो ही टाइम दे रखे है, तो बेहतरीन तरीका वर्क तो निकाल दो गुणा से और इसे निकाल दो सम से, क्वेश्चन खत्म। तो दोनों का गुणा कितना आ जाएगा? 600, और दोनों का सम कितना आ जाएगा? 50। बड़ा 0 0, 5 से काटा 12 बार, तो आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज 12 दिन। बोलो क्लियर हुआ डायरेक्ट? तो विच ऑप्शन इज राइट? ए ऑप्शन। चलिए अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो देखिए बेटा, आप इस क्वेश्चन को एलसीएम मेथड से भी कर सकते हो। कैसे? आप बताओ 20 का और 30 का कॉमन मल्टीपल क्या आएगा? तब तो दोनों नंबर कैसे कट रहे हैं बेटा? 10 से कट रहे हैं, जो बच जा रहा है वो ले लो, 10 दूनी 20, 2 बच जा रहा है, और 10 3 30, तो कौन मल्टीपल क्या आ जाएगा? 60। तो आप कहेंगे वर्क आ गया 60 यूनिट। कितने यूनिट आ गया बेटा? 60 यूनिट। आप बताओ 20 दिन में अगर 60 मिनट हो रहा है तो एक दिन में कितना काम होगा? 3 यूनिट। 30 दिन में 60, तो एक दिन में कितना होगा? 2 यूनिट। तो बताइए दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी बेटा आपकी? 5 यूनिट। बोलो क्लियर है? आपको टाइम निकालना है क्वेश्चन में ए प्लस बी का। टाइम होता क्या है क्वेश्चन में? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है बेटा बताइए? 60। एफिशिएंसी कितनी है दोनों की? 5। अगर काटेंगे तो आंसर कितने दिन? 12 दिन। आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज 12 दिन। बोलो क्लियर हुआ? चलिए भाई, शायद मेरे हिसाब से अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? चलिए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी के सभी। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी फास्ट। या फिर ये को इसको बाद में देखते हैं, पहले थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन को ना देखकर।
ये बताओ, पहले ये बताओ फिर बाद में वो करते हैं, जल्दी फास्ट आंसर बताइए, आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, आंसर बताइए जल्दी फास्ट। टेल मी फास्ट, बेटा सीमा कुमारी अगर क्लियर नहीं दिख रहा है अपनी वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज कर लो आप। चलिए भाई देखिए बेटा प्लीज समझना, क्वेश्चन में कह रहा है ए और सी मिलकर, ए और सी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 120 दिन। फिर इसके बाद कह रहा है सी और ई मिलकर काम को कितने दिन में कर सकते हैं बेटा, 80 दिन में। फिर कह रहा है ए और ई मिलकर, ए और ई मिलकर काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 160 दिन में। अब आपको पहले क्या बताइए, आप बताइए तीनों के लिए क्या चीज़ सेम रही होगी, तो आप कहेंगे यार तीनों के लिए वर्क सेम रहेगा, अगर तीनों के लिए वर्क अगर सेम रहेगा तो वर्क को कॉमन मल्टीपल से निकाले हम, तो बताइए ऐसी कौन सी वैल्यू है, आप बताइए इन दोनों कॉमन मल्टीपल क्या आएगा, 80 का और 160 का, तो 160 आ गया, अरे इन दोनों का तो 160 आ गया ना, तो 160 और 120 का लेना है, तो बेटा दोनों नंबर किससे कट रहे हैं आप बताइए, 40 से, 40 और क्या बचा, 4 चौक 16 और 4 3 12, तो एक तरह से ये एलसीएम आ जाएगा आपका 4 चौक 16 16 3 48, तो ये हो जाएगा 480 यूनिट। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक, तो आपका जो वर्क है वो मैंने 480 यूनिट मान लिया, बेटा बताओ 480 यूनिट अगर वर्क आ गया तो 120 दिन में अगर 480 कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 12 चौक 48 4 यूनिट, 80 दिन में 480 तो एक दिन में 8 चौक 48 6 यूनिट, 16 3 48 3 यूनिट। बोलो क्लियर हुआ, अब गौर से एक बात सुन लीजिए, जब कभी भी क्वेश्चन के अंदर ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए आए तो आप सभी को एक साथ जोड़ दीजिए, जब आप सभी को एक साथ जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पर जोड़ने पर ए दो बार जुड़ेगा, सी दो बार जुड़ेगा, ई दो बार जुड़ेगा, तो ये वैल्यू आएगी 2 टाइम्स ए प्लस सी प्लस ई। बोलो यही आएगी, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, तो सीधे सीधे बताइए 4 और 6 10 और 3 13, तो आप बताइए 2 टाइम्स ए प्लस सी प्लस ई की एफिशिएंसी है 13, तो ए प्लस सी प्लस ई की एफिशिएंसी कितनी बनेगी, तो ए प्लस सी प्लस ई की एफिशिएंसी बनेगी 13/2। बोलो ये बात क्लियर है क्या, तो आपने कहा बिल्कुल सही है, और अगर ये बात है तो बेटा आप बताइए आपको टाइम निकालना है, क्या निकालना है बेटा क्वेश्चन में, टाइम, तो लोग क्वेश्चन में खत्म, तो टाइम निकालना है ए का सी का और ई का, तो टाइम होता क्या है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, क्या होता है बेटा वर्क अपॉन एफिशिएंसी, अगर ये होता है तो क्वेश्चन खत्म करो, वर्क कितना है बेटा बताइए 480, एफिशिएंसी कितनी है 13/2, तो बताइए 2 गुण के ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 48 का डबल कर दो, तो 48 का डबल कितना हो जाएगा 960/13, तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आएगा 960/13, विच ऑप्शन इज राइट बेटा, ए ऑप्शन। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को, बेटा यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ, कोई आत्मा आ गई, कौन कह रहा है आत्मा आ गई, पागल पागल है क्या। चलिए भाई क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन, बताओ क्वेश्चन का आंसर बताओ, वर्षा कह रही है दिख नहीं रही स्क्रीन, बेटा अगर दिख नहीं रही तो इसका मतलब यह है कि तेरा नाम ही वर्षा है, इसका बारिश हो रही होगी, ओले पड़ रहे होंगे, ठीक है, तो थोड़ा ऐसे स्थान पे बैठ जहाँ पे नेटवर्क आ रहे होंगे, क्योंकि जहाँ बारिश होती है वहाँ नेटवर्क थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो तेरा नाम ही वर्षा है ना, समझ रही है तू, तो ये बारिश में ना तेरे नेटवर्क डिस्टर्ब है, या तो नेटवर्क को ठीक ठाक कर ले, या फिर अगर वो नेटवर्क ठीक ठाक है तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा ले, समझ में आई तेरी बुद्धि में कुछ घुसा, सर लॉन्ग हो जाता है, अबे शॉर्ट वर्ड सब बताऊंगा क्लास में, अभी मैं उस तरीके से बता रहा हूँ, सुन लीजिए गौर से, मैं अभी ऑनलाइन में उस तरीके से बता रहा हूँ, ज़्यादा शॉर्ट के चक्कर में नहीं पढ़ रहा हूँ, नहीं तो मेरे कॉन्सेप्ट इतने हाई है, नहीं तो मेरा नाम अभी तुम फैला दोगे कि बड़ा हाई लेवल पढ़ाता है ये, मुझे डर भी तो इस बात से लगता है मैं शॉर्ट तो एक मिनट में कर दूँ, एक सेकेंड में कर दूँ,
फिर तुम मेरा नाम फैला दोगे कि ये तो बहुत हाई लेवल पढ़ाता है, वहीं की मैं उड़ा दूंगा, वहीं की मैं आंसर कर दूंगा, फिर कहोगे ये कैसे कर दिया। देखो यहां पर क्वेश्चन समझना भाई, क्वेश्चन में देखिए, व्यक्ति ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 18 दिन में। ए और बी एक साथ मिलकर, अगर ए और बी एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में कर देते हैं, 8 दिनों में। बी और सी मिलकर एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में कर सकते हैं, जल्दी बोलो। तो बी और सी एक साथ काम कर सकते हैं 6 दिनों में। एक बात बताओ बे, आप बताओ, ए 18 दिन में जो काम होगा, 8 दिन में जो काम होगा, 6 दिन में जो काम होगा, वो काम सेम होगा तो वो वर्क होगा। अब कौन मल्टीपल बताओ, तो 6 और 18 का तो कौन मल्टीपल 18 मान लो, और एक 8 और बच गया। अरे क्लियर है, इन दोनों नंबर किससे कटते हैं बेटा, 2 से। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, 9, और यहाँ क्या बचा बेटा, 4 तो 9+36 दूनी 72, तो आप काम को 72 यूनिट मान लो, सिंपल। क्लियर हुआ, तो काम अगर 72 यूनिट हो गया तो अब आप यहाँ पे देखिए, 18 दिन में अगर 72 करते हो एक दिन में, 18+4 4 यूनिट करेगा, ये दोनों मिलकर 8 दिन में 72 करते हो एक दिन में कितना काम करेंगे, 9 यूनिट, और 6 दिन में अगर 72 हो रहा तो एक दिन में कितना काम होगा, 12+6=72, तो ये हो गया 12 यूनिट। बोलो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, जल्दी बोलो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई बेटा, 4 यूनिट। आप बताओ ए अगर चार पे बैठा है तो 4 में मैं कितना जोड़ दूं ताकि 9 बन जाए, तो ये हो जाएगी 5। बी की एफिशिएंसी 5 आ गई। अरे गौर से सुन लो भाई, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4 में कितना जोड़ू कि 9 बन जाए, 5। बी की एफिशिएंसी 5 सेट हुई, 5 में कितना जोड़ू, 12 बन जाए, 7। लो आप सबकी एफिशिएंसी सेट है, ए की एफिशिएंसी 4 आ गई थी, ए की 4 हुई तो बी की 5 होगी क्योंकि 9 बनना है, बी की अगर 5 है तो सी की 7 होगी क्योंकि 12 बनना है। क्वेश्चन खत्म, यहाँ पे आपको टाइम निकालना है ए प्लस बी प्लस सी का, खत्म करो भाई क्वेश्चन। देखो यहाँ पर अब टाइम निकालना है आपको ए बी सी का, ए बी सी का टाइम क्या होगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है बताइए बताइए, 72, और एफिशिएंसी कितनी बनेगी आप बताइए, ए की कितनी है 4, बी की कितनी है 5, और सी की कितनी है 7। क्वेश्चन खत्म, 4 और 5 9 9 और 7 16, तो आपका आंसर आएगा 72/16। और आप बताइए दोनों नंबर 8 से काट दीजिए, 8 9 72 8 2 16, और 9 का आधा होता है 4.5, तो आपका आंसर आ जाएगा 4.5। इज देयर एन ऑप्शन 4.5, डी ऑप्शन, उतारिए। भाई साहब मैं शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कितना भी शॉर्ट सिखा दूं मैं बड़े तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं सिखा रहा हूँ। जो ऑफलाइन में बच्चे हैं वो मुझे जानते हैं कि जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बहुत बताता हूँ मैं, लेकिन अभी मैं उस तरीके से पढ़ा रहा हूँ जिस तरीके से एग्जाम में जाके सोचना है। चुपचाप उतनी बुद्धि लगाओ जितनी जरूरत है, ज़्यादा स्मार्ट मत बनो, फिर तुम ही लोग हो जो मेरा नाम फिर खराब करते हो कि मोहित सर तो बहुत हाई लेवल पढ़ाते हैं, वे लो लेवल पढ़ो, फिर लो लेवल पढ़ा दो तो हाई लेवल क्यों नहीं पढ़ा रहे, और हाई लेवल पढ़ा दे तो लो लेवल क्यों पढ़ा रहे हैं। चलो भाई इसका आंसर बताओ हमारे तो लेवलों की दिक्कत आ रही है। हाँ भाई अब सुन लो, आज मैं अनहाइड कर दूंगा वीडियोस, आज मैं अनहाइड कर दूंगा, ये मैं कह के जा रहा हूँ, गौर से सुन लीजिए, आज मैं वीडियोस को अनहाइड कर दूंगा, और वो वीडियोस सिर्फ और सिर्फ 3 दिन तक अनहाइड रहेंगी, ध्यान रखना, आज का दिन, कल का दिन और सोमवार, सैटरडे, संडे और मंडे, मंडे को फिर दोबारा हाइड कर दूंगा परमानेंटली, ठीक है, ध्यान रखना। अब अभी कर दूंगा मैं अनहाइड। चलिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी के सभी, लेकिन अगर मुझे लगा ना कि तुम नॉन सीरियस हो गए हो तो ध्यान रखना, फिर इससे ज़्यादा और अच्छी बात नहीं बोल सकता मैं। देखो यहाँ पर अब ए किसी काम को कितने दिन में करता है, तो ए काम को करता है 6 दिन में, और बी उस काम को करता है 12 दिन में। बोलो क्लियर हुआ, ए काम को करता है 6 दिन में और बी काम करता है 12 दिन में, तो आप बताइए काम कितने यूनिट मान लो, तो आप काम को मान लो 12 यूनिट, तो काम को दोनों नंबर कट रहे हैं किससे, दोनों नंबर से कट रहे हैं नंबर, 12 यूनिट मान लिया, 6 दिन में अगर 12 यूनिट करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 यूनिट, 12 दिन में 12 तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1 यूनिट। यदि दोनों मिलकर काम खत्म करें तो ए ने कितना काम खत्म किया, तो ये बताओ भैया ए ने कितना काम खत्म किया होगा, दोनों मिलकर काम कितना कर सकते हैं बेटा बताइए, दोनों मिलकर कितना टाइम लगा सकते हैं बेटा, जल्दी बोलिए, ए प्लस बी कितना है बेटा, 3,
कितना है बेटा? 3। तो बेटा बताओ, पहले ए प्लस बी का टाइम तो पता करो भाई, ए प्लस बी का टाइम तो पता करो भाई। तो ए प्लस बी का टाइम क्या आएगा? 12 मिनट। वर्क अपॉन एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो कितने दिन आ गए बेटा? 4 दिन। यानी कि दोनों मिलकर 4 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं। और ये पूछ रहा है कि 4 दिन के अंदर ही ए ने कितना काम किया होगा, तो 4 दिन, ए 1 दिन में काम कर सकता है 2 यूनिट, तो 4 दिन में कितना काम किया होगा ये पता कहिए। तो 4 दिन में 4 दुनी 8, और ये 8 12 का कितना भाग है ये पूछ रहा है। तो बताइए भाग, बताइए 4 दुनी 8, 4 3 12। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 2/3 होगा। आंसर इज दिस ऑप्शन। खत्म, जल्दी फास्ट गौर से सुन लीजिए। ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 6 दिन में। अगर ए काम को करता है 6 दिन में और बी करता है 12 दिन में, तो इसका नाम वर्क मैंने माना 12 यूनिट। इसका नाम ए 6 दिन में अगर 12 यूनिट काम करेगा तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 2 यूनिट। बी अगर 12 दिन में 12 यूनिट काम करेगा तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 1 यूनिट। तो बताओ दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम कर सकते हैं? 3 यूनिट। अगर 1 दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं, काम करवाना है 12 यूनिट, तो 3 चौक 12, इसका मतलब 3 चौक 12, इसका मतलब वो दोनों मिलकर कितने दिनों में काम पूरा कर देंगे? 4 दिन। और 4 दिन का काम ही निकलवा रहा है किसका? ए का। ए 1 दिन में कर सकता है 2 यूनिट, तो 4 दिन में करेगा 8 यूनिट। बस आपसे ये पूछ रहा है कि ए ने जो काम किया है 8 यूनिट, ये टोटल वर्क 12 यूनिट का कितना भाग है? तो 8/12 को अगर सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2/3। बोलो सर ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? सर समझ में आया नहीं आया? ठीक है भाई, वेरी गुड। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई, मुझे भी अच्छा लगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन आंसर बता दो जल्दी फास्ट। अगले क्वेश्चन का आंसर बता दो जल्दी फास्ट। हो गया? कल क्लास होगी क्या? कल क्लास होगी, और कल क्लास 8 से 9 ही होगी, ये भी सुन लो। कल क्लास होगी और कल क्लास 8 से 9 ही होगी, कोई गैप नहीं होगा क्लास में, ठीक है? आइए भाई देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए किसी प्रोजेक्ट को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ए जो बंदा है वो काम कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन। और व्यक्ति भी उस काम को कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन। तो अब ये बताइए बेटा कौन मल्टीपल कितना आएगा? वो वैल्यू बताइए जो 10 से और 15 से कट जाए। तो आप बोलेंगे वर्क आ जाएगा 30 यूनिट। अगर 10 दिन में 30 यूनिट करता है तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 3 यूनिट। 15 दिन में 30 करेगा तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 2 यूनिट। तो आप बताइए दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करेंगे? तो ए प्लस बी का अगर मैं निकालूं तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे 1 दिन में? 5 यूनिट। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है? यदि ए और बी एक साथ मिलकर काम को करना प्रारंभ करेंगे, तो ए और बी ने काम स्टार्ट किया और काम शुरू करते हैं, और बी प्रोजेक्ट पूरा होने करने से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। अब यहाँ देखो भाई, ये मान लो काम है, ए प्लस बी ने स्टार्ट किया, कार्य समाप्त यहाँ होना है। इस काम समाप्त होने से 5 दिन पहले, कितने दिन पहले? 5 दिन पहले किसने छोड़ दिया बेटा? बी ने। तो आप बताइए ए प्लस बी आ रहे थे, बी छोड़ के चला गया, तो कौन बचा? ए। तो यानी शेष काम किसने पूरा किया? ए ने। बोलो ये क्वेश्चन समझ आया आपको भाषा? तो बताइए प्रोजेक्ट कितने दिनों में पूरा हुआ? तो लो भैया क्वेश्चन खत्म करते हैं। आप बस ये बताइए इस 5 दिन काम किसने किया? तो काम किसने किया? ए ने। ए 1 दिन में कितना काम कर सकता है? 3 यूनिट। तो 1 दिन में 3 यूनिट, तो 5 दिन में कितना काम हो गया होगा? 15 यूनिट। बोलो क्लियर है? अब यहाँ पर काम हुआ होगा शेष काम, यहाँ पर क्या हुआ होगा? शेष काम हुआ होगा। क्या हुआ होगा बेटा? शेष काम। शेष काम कितना हुआ होगा? तो 30 में से 15 हटा दो तो कितना काम हुआ होगा? 15 यूनिट। और ये 15 यूनिट किसने किया होगा बेटा? ए प्लस बी ने। तो टाइम कितना लगा होगा? एफिशिएंसी डिवाइड कर दो 5 से। तो अब 5 से अगर डिवाइड करेंगे वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो ये आएगा आपका 3 दिन। कितने दिन आएगा बेटा? 3 दिन। 3 दिन ये रहा और 5 दिन ये रहा, तो टोटल टाइम कितना लगा होगा? तो टोटल टाइम लगा होगा आपका 3 + 5, कितने दिन बेटा? 8 दिन। सो आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज 8 डेज। देख लो भाई, आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज 8 डेज। खत्म, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 8 दिन। बोलो समझ में आया? चलिए भाई, अब आपको मैं नई बात सिखा रहा हूं, और नई बात क्या सिखा रहा हूं? भाग। तो अब सुनना मेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट बात,
दूसरी इंपॉर्टेंट बात सिखा रहा हूँ, भाग, भाग सिखा रहा हूँ भाग। तो भाग वाली बात को सुन लीजिए, काम का कोई भाग पूरा करना है, काम का कोई भाग पूरा करना है, कोई भाग पूरा करना है। अरे क्लियर है, काम का कोई भाग पूरा करना है। अरे क्लियर हुई बात? तो अब सुन लीजिए एक इंपॉर्टेंट बात, बस आप मेरी बताई हुई दो बातें याद रखें, दो पॉइंट। कार्य पूरा कार्य, अगर कभी आपसे कहे पूरा कार्य, अगर कभी आपसे कहा जाए पूरे कार्य की बात, तो पूरे कार्य का मतलब होता है कंप्लीट होना, और कंप्लीट चीज होती है 100%, और 100% को ही रेशियो में बोला जाता है 1 यूनिट। कितने यूनिट बोला जाता है? 1 यूनिट। तो या तो आप बोल लीजिए 100% या आप बोल लीजिए 1 यूनिट, बात एक ही है। इसका मतलब कार्य पूरा कराने के लिए आपको वैल्यू को या तो 100% बनाना है या इस वैल्यू को 1 यूनिट बनाना है, बस इतना ध्यान रखिए। अरे बात समझ में आई? तो जब कभी भी आपको भाग दिया जाए तो उस भाग को कन्वर्ट करके कितना बनाएंगे आप? 1 यूनिट बनाएंगे। कितने यूनिट बनाएंगे? 1 यूनिट। एग्जाम्पल के तौर पर बात को समझेंगे और फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एग्जाम्पल समझिए, मैंने कहा व्यक्ति ए है, व्यक्ति ए है, वो काम का भाग मैं यहाँ लिखूंगा और टाइम मैं यहाँ लिखूंगा, भाग यहाँ लिखूंगा और टाइम मैं यहाँ लिखूंगा। मैंने कहा 3/4 भाग वो पूरा कर सकता है 12 दिन में। कितने दिन में पूरा कर सकता है? 12 दिन। अगर 3/4 भाग 12 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो इसको पूरा काम बनाने के लिए 1 यूनिट बनाना है। कितने यूनिट बनाना है? 1 यूनिट। तो हमें करना है कैंसिल। क्या करना है? कैंसिल। तो सामने सामने काट दो, 3 से कटा 4 बार, और जो ये 4 है इसे कर दो सीधा यहाँ मल्टीप्लाई, तो 4 × 16 दिन। बोलो क्लियर हुआ? और यही 1 यूनिट का मतलब है 100%, और इसी 100% का मतलब है पूरा कार्य। अरे क्लियर है या नहीं है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3/4 भाग 12 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा? 16 दिन में। बस इतना ध्यान रखना कि अगर कभी भाग दे दिया जाए तो उसे कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने का मतलब उसे 1 यूनिट बनाना है। कितने यूनिट बनाना है? 1 यूनिट। बस 1 यूनिट बना देना, दोबारा से बात वहीं पहुंच जाएगी जो भी मैं सिखा रहा था। जैसे ही पूरी कंप्लीट हो जाए बस क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। बोलो क्लियर हुआ? बस अगर ये बात समझ में आ गई हो तो बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, तो फिर मैं आगे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, क्वेश्चंस में सारी बातें कंप्लीट करा रहा हूँ। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फास्ट, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ जल्दी फास्ट फास्ट। चलिए भाई, अगर आपको चीजें क्लियर हो गई हो तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बेटा गौर से सुनना, अब मैं भाग वाले क्वेश्चंस करा रहा हूँ। चलिए भाई, आंसर बताइए इस क्वेश्चन का, सभी के सभी इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी फास्ट। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी फास्ट आंसर बताइए। बेटा मैं नहीं जा रहा हूँ, अपने घर नहीं जा रहा हूँ, मेरी बेटी जो है वो, उसकी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं यहीं पे ही हूँ, वो हॉस्पिटलाइज्ड है मेरी बेटी, ठीक है? तो मैं अब घर नहीं जा रहा हूँ, मेरी फैमिली भी हॉस्पिटल में ही है, तो मैं अब क्लास लेने के बाद हॉस्पिटल जाऊँगा, फिर मैं हॉस्पिटल ही रहूँगा और कल मैं वहीं पर रहूँगा और वहीं से क्लास लेने सीधे यहाँ आ जाऊँगा। समझ रहे हो आप? तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप ये ना सोचें अपने मन में कि मैं क्लास नहीं लूंगा, क्लास में अगर मथुरा में हूं तो 100% लूंगा, गारंटी के साथ लूंगा। मैं अभी भी क्लास लेने आया हूं, क्लास में लूंगा, मैं अपने वजन से नहीं हटूंगा पीछे। आप हट जाओ, हट जाओ। हाँ बेटा, उसके उसके निमोनिया हो गया है थोड़ा, वो एडमिट है, ठीक है, इसलिए थोड़ा बच्चा है, बच्चे को बीमार हो जाती है, ठंड में बीमार हो गई है वो, इसलिए वो थोड़ा एडमिट है, थोड़ा सीरियस है वो इसलिए, ठीक है। चलिए, लेकिन मैं कल क्लास लूँगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कल मैं क्लास लूँगा, ये मैं पहले कह दे रहा हूँ। यू आर नॉट सीरियस फॉर योर एग्जाम बट आई एम सीरियस फॉर योर एग्जाम्स। देखो यहाँ यहाँ पे प्लीज़ सभी के सभी यहाँ देखेंगे, सभी के सभी प्लीज़ फास्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्ति ए है, व्यक्ति ए आधा भाग 5 दिन में कर रहा है, आधे भाग को पूरा पूरा भाग बनाना है तो 1 यूनिट बनाना है, तो ये एक ही है, इस दो को यहाँ गुणा कर दो,
इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो पूरा काम कितने दिन में कर सकता है बेटा, 10 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन। अब व्यक्ति बी पे आ जाओ, व्यक्ति बी 3/5 भाग 9 दिन में कर सकता है, तो ऊपर वाला टाइम डायरेक्ट कर दो, 3 से 9 कटेगा 3 बार और डायरेक्ट 5 का गुणा कर दो 3 में, तो व्यक्ति बी पूरा काम कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? इसके बाद व्यक्ति सी 2/3 भाग 8 दिन में कर सकता है, तो 2 से सामने सामने काट दो 4 बार और 3 का गुणा कर दो, तो व्यक्ति सी पूरा काम कितने दिन में कर देगा बेटा? 12 दिन में। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है क्या? अब आप बताइए पूरे काम की बात आ गई, जैसे पूरे काम की बात आ गई आप कुछ ना करें, कॉमन मल्टीपल ले लें। क्या ले लें बेटा? कॉमन मल्टीपल। अगर आप कॉमन मल्टीपल ले लें तो बेटा ये आ जाएगा आपका वर्क। क्या आ जाएगा? वर्क। तो आप बताइए वो वैल्यू बताइए जो 10 से 15 से और 12 से कटे, तो आप कहेंगे यार वो नंबर आ गया आपका 60। तो आपने वर्क वर्क को मान लिया 60 यूनिट। इसका मतलब ए 10 दिन में 60 यूनिट काम करता है। अगर ए 10 दिन में 60 यूनिट काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा? 6 यूनिट। अगर व्यक्ति भी 15 दिन में 60 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 4 यूनिट। व्यक्ति सी 12 दिन में 60 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 5 यूनिट। बोलो ये बात समझ में आ गई? अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो मुझे किसकी एफिशिएंसी पता लग जाएगी बेटा? ए प्लस बी प्लस सी की। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 4 और 6 10 और 5 15। तो आपका जो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है वो है 15 यूनिट। और अगर वो 15 यूनिट है तो काम निकालना है आपको, टाइम निकालना है तीनों का। तो आपको टाइम निकालना है तीनों का, ए बी और सी का। तो टाइम होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। आप बताइए वर्क कितना है बेटा? 60 यूनिट। एफिशिएंसी कितनी है? 15। तो अगर काटोगे तो आंसर आएगा 4 दिन। इज देयर एन ऑप्शन 4 डेज इन योर ऑप्शन? यस, आंसर इज डी ऑप्शन। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? बोलो क्लियर हुआ बेटा? बेटा पी के गुप्ता में भर्ती है वो, पी के गुप्ता हॉस्पिटल में भर्ती है, पी के गुप्ता में भर्ती है बेटा वो। बेटा मैं चला जाऊंगा, आप टेंशन ना लो, मेरी पूरी फैमिली वहीं पे है। जीतेंद्र सर भी अब वहीं से आए थे अभी, जीतेंद्र सर और गोविंद सर और पवन सर, वो तीनों वहीं से आए थे, उन्हीं के साथ में आया था। बेटा मैंने बता तो दिया, पी के गुप्ता दीप नर्सिंग होम में भर्ती है वो, एडमिट है। चलिए अभी बेटा आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी फास्ट। No, tell me the answer to this question, please. सभी के सभी इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। हाँ बेटा अभी ठीक है वो, ठीक है। हाँ बेटा ठीक हो जाएगी वो, नो डाउट ठीक हो जाएगी, टेंशन मत लो, वो सब डॉक्टर करते हैं, वो हो जाएगी ठीक। डॉक्टर्स होते हैं सब चीज के लिए, है ना? डॉक्टर पे भरोसा होना चाहिए बस, सब चीज जो जिसका काम है वो वही करेगा ना। तो हॉस्पिटल में काम डॉक्टर करते हैं, मैं क्या करूँगा उसमें? मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, बाकी फैमिली अपना काम कर रही है केयर करने का, है ना? तो हम इतना ही कर सकते हैं बस। चलिए भाई। हाँ बेटा दीप नर्सिंग होम। हाँ बेटा हो जाएगी, ठीक हो जाएगी वो, अच्छी हो जाएगी बहुत। चलिए भाई देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्ति ए 2/3 भाग को 8 दिन में करता है। अगर 2/3 भाग को 8 दिन में करेगा तो 2 से 8 को काटेंगे तो क्या आएगा बेटा? 4 और 3 का गुणा कर दो कंप्लीट वर्क बनाने के लिए। तो आप कहेंगे व्यक्ति ए काम को कितने दिन में करता है बेटा? 12 दिन। कितने दिन में करता है बेटा? 12 दिन। अब बताइए व्यक्ति भी उसी काम का 3/5 भाग 12 दिन में करता है, 3/5 को कितने यूनिट बनाना है बेटा? 1 यूनिट। तो 3 से पहले 12 को काट दीजिए 4 और इस 5 को सीधा गुणा कर दीजिए जिससे 1 यूनिट बन जाए। तो व्यक्ति भी उस काम को कितने दिन में कर देगा? 5 चौका 20 दिन। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। आप कहेंगे व्यक्ति सी उस काम के 4/9 भाग को 8 दिन में करता है, तो ऊपर से ऊपर काटिए 2 बार और 9 का सीधा गुणा कर दीजिए 2 में, तो व्यक्ति सी पूरे काम को कितने दिन में कर देगा? 18 दिन। बोलो ये बात क्लियर हो गई? अब आ जाइए बेटा यहाँ पर, आ गए, प्लीज सुनना। अब आप बताइए आपको ये निकालना है, अब आपको ये पता लग गया कि 12 दिन में भी वही काम हो रहा है, 20 दिन में भी वही काम हो रहा है, 18 दिन में भी वही काम हो रहा है, तो आप कॉमन मल्टीपल से वर्क मानिए। अगर कॉमन मल्टीपल से वर्क मानना है तो कैसे मान लें बेटा? बेहतरीन तरीके से आप बताओ, वो संख्या बताओ जो 12 से और 20 से कट जाए, तो वो 60 हो गई। और 60 का और 18 का अगर हम देखें तो बेटा दोनों नंबर किससे कट रहे हैं आप डायरेक्ट बताइए। तो दोनों नंबर मेरे हिसाब से 6 से कट रहे हैं, है ना? तो 6 और क्या क्या रह गया बेटा? 6 से 10 रह गया यहाँ पर, और 6 से 6 3 18 3 यहाँ पर रह गया। तो गुणा करेंगे तो 6 3 18 गुणा 10 180, तो टोटल वर्क को आप 180 यूनिट मान लीजिए। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक?
टोटल वर्क कितना मान लिया बेटा आपने 180 यूनिट, तो 12 दिन में अगर 180 यूनिट कर रही है तो एक दिन में कितना काम करेगा ये, अगर 12 दिन में 180 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 12 एकम 12 और 12 पंजे 60 15 यूनिट, 20 दिन में 180 तो एक दिन में कितना यूनिट 9 यूनिट, 18 दिन में 180 तो एक दिन में कितना यूनिट 10 यूनिट। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है क्या सबको? तो आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है सर, वर्क भी क्लियर हो गया, ए की एफिशिएंसी भी क्लियर हो गई, बी की एफिशिएंसी भी क्लियर हो गई और सी की एफिशिएंसी भी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं बेटा आगे, तो आगे गौर से सुनना क्या कह रहा है क्वेश्चन में। वो कह रहा है ए और बी 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, ए और बी ने 5 दिनों तक एक साथ काम किया, ए और बी मिलकर काम कितना कर सकते हैं 9 और 5 14 24 यूनिट पर डे, 24 यूनिट पर डे, 24 यूनिट पर डे काम कर सकते हैं, एक दिन में 24 यूनिट काम कर सकते हैं, जबकि ए और बी ने काम कितने दिन करना है बेटा 5 दिन, तो 24 पंजे 120 यूनिट काम तो यही कर देंगे। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? अब ये कह रहा है कि शेष अकेले शेष काम को कितने दिन में पूरा कर देगा, तो सी अगर शेष काम करेगा तो शेष काम कितना काम करेगा, तो सी अगर शेष काम करेगा तो काम बचा कितने यूनिट है बेटा 180 में से कितना हटा दीजिए 120, तो कितना बचेगा बेटा 60 यूनिट, और 60 यूनिट को करेगा कौन बेटा सी, अगर 60 यूनिट को सी काम करेगा तो बताइए टाइम ऑफ सी कितना आएगा, बस ये निकालना है, तो टाइम ऑफ सी आ जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो वर्क कितना करना है बेटा सीधा सीधा 60 और एफिशिएंसी कितनी है बेटा 10, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 6 दिन। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? तो आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज 6 डेज, इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो शायद भाग वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा बेटा, यहां तक बात क्लियर हो गया? ठीक है बेटा, क्लियर हो गया क्या सभी को? चलिए अगर आपको क्लियर हो गया हो तो प्लीज बेटा इस क्वेश्चन को और बताइए जल्दी फास्ट, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, जल्दी फास्ट फास्ट प्लीज बेटा, आप सिलेक्शन लेके दिखाइए मेरे को, बस मेरे को बस सिलेक्शन चाहिए, मेरे को बस सारथी एकेडमी का नाम ऊपर चाहिए, यानी मथुरा में बस ये चाहिए कि मथुरा के टीचर्स हाँ सच में मेहनती हैं, मथुरा में कोई आपके लिए है, कोई कोचिंग एक ऐसी भी कोचिंग है जो आपको मेहनत के लिए मेहनत कराएगी आपसे और आपका सिलेक्शन भी करवाएगी, सिलेक्शन में हमारा ही रोल नहीं है, सिलेक्शन में सबसे बड़ा रोल आपकी मेहनत का है, और मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा रोल जो है वो आपके माँ बाप का है, जो आपको फुल टाइम दे रहे हैं, कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं बना रहे किसी भी चीज़ का, सबसे बड़ा शुक्रगुजार आपको अपने माँ बाप का करना चाहिए, उसके बाद आपको खुद की अपनी मेहनत की सराहना करनी चाहिए और उसके बाद हमारी सराहना करनी चाहिए, हम तीसरे स्थान पर आते हैं, पहले स्थान पर माँ बाप, दूसरे स्थान पर तुम्हारी मेहनत और तीसरे स्थान पर हम खुद। क्लियर है भाई? चलिए हो गया यहाँ तक? चलिए भाई यहाँ तक, अब बेटा यहाँ पर देखना प्लीज़ जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट प्लीज़ बेटा, यहाँ देखिए, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ए किसी काम का 3/5 भाग 12 दिन में करता है, तो बेटा ये पूरा काम कितने दिन में करेगा 3 × 5 = 20, तो ए पूरा काम करेगा 20 दिन में। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है क्या बेटा? आप बताइए बी काम का 1/3 भाग 15 दिन में करता है, तो डायरेक्टली 3 गुणा कर दीजिए, व्यक्ति बी पूरा काम कितने दिन में कर देगा 15 × 3 = 45 दिन में। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है क्या? तो बेटा आप बताइए 20 और 45 का लेना कॉमन मल्टीपल, तो कॉमन मल्टीपल लेने का बेहतरीन तरीका क्या है, मैंने आपको समझा दिया, बताओ दोनों नंबर किससे कट रहे हैं ये बात देखो, तो 20 और 45 दोनों नंबर 5 से कट रहे हैं, क्या रह गया 5 × 20 रह गया और 5 × 45 रह गया, 5 × 20 गुणा 9 करेंगे ये हो गया 180, बेहतरीन तरीका, वर्क हो गया 180 यूनिट, कितने यूनिट हो गया बेटा वर्क 180 यूनिट, तो 20 दिन में 180 यूनिट तो एक दिन में कितना यूनिट 9 यूनिट, 45 दिन में 180 तो एक दिन में कितना यूनिट बेटा 4 यूनिट। बोलो क्लियर है? तो आप अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि उन्होंने 12 दिन तक एक साथ काम किया, तो बेटा क्वेश्चन ये कह रहा है कि उन दोनों लोगों ने काम किया है, ए और बी ने कितने दिन तक काम किया है 12 दिन तक, अगर वो 12 दिन तक काम कर रहे हैं और हर दिन कितना काम कर सकते हैं 9 × 4 = 13 यूनिट, तो 13 यूनिट के हिसाब से 12 × 13 कर दीजिए, 12 × 3 = 36, 12 × 12 = 3 = 15, तो ये 156 यूनिट काम पूरा हो जाएगा, और ए ने काम छोड़ दिया तो शेष काम कौन करेगा बेटा बी करेगा, बी कितना काम करेगा, तो वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी टाइम पूछा गया बी का, तो कितना काम करेगा बी शेष काम, तो 180 माइनस 156 बटे डायरेक्ट एफिशिएंसी बी की कितनी है बेटा आपकी 4, तो ये कितना बचेगा 4 और 7 × 5 गया तो 2 = 24/4, तो आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज 6 डेज। बोलो क्लियर हुआ क्या बेटा? आपका आंसर आ गया बी ऑप्शन। तो बेटा गौर से सुन लीजिए, शायद आई थिंक मेरे हिसाब से आज की क्लास में यहीं स्टॉप करता हूँ, ठीक है? तो अभी एक चीज़ बताना भूल गया था मैं, दैट इज़ रेशियो, रेशियो मेथड, ठीक है? तो रेशियो मेथड को मैं कल ही क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है? बेसिकली मैंने आज दो चीज़ें क्लियर कर दी कि अगर ए का टाइम पता है बी का टाइम पता है तो उनका टाइम कैसे निकालते हैं, वर्क को कॉमन मल्टीपल कैसे लेते हैं, भाग वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो कल हम स्टार्टिंग कर रहे होंगे कहाँ से बेटा, रेशियो वाले तरीके से, क्योंकि रेशियो में मैंने आपको बताया था और रेशियो से कल हम स्टार्टिंग कर रहे होंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई सबको क्या?
बेटा ये बात बताइए, यहाँ तक बात क्लियर है क्या सबको? चलिए, और दूसरी बात, मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, और वो बात ये है कि बेटा आप लोग एक बात गौर से सुन लीजिए, मैं वीडियोस को अनहाइड कर रहा हूँ अभी फॉर द 3 days, ठीक है? 3 दिनों तक के लिए आपको मैं वीडियोस अनहाइड कर दे रहा हूँ। ये मैं फिर अनाउंस कर रहा हूँ, दोबारा सुन लीजिए, मैं वीडियोस को अनहाइड कर रहा हूँ आपकी रिक्वेस्ट करने पर, और उन वीडियोस को मैं 3 दिन तक अनहाइड रखूँगा, उसके बाद परमानेंटली उनको फिर दोबारा हाइड कर दूंगा। समझ में आ रही बात आपको? आपको पढ़ना है, ढंग से पढ़िए, बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। समझ में आ रही है बात आपको? क्लियर है बेटा? और दूसरी बात यह है कि दिन रात एक कर दीजिए। क्या कर दीजिए? दिन रात एक कर दीजिए। कोई कहने नहीं आएगा कि आप सिलेक्शन ले लो, मैं कह रहा हूँ आपके अंदर खुद होना चाहिए कि हमें सिलेक्शन लेना है, लेना है, लेना है। समझ में आई बात? ये सब मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ, ठीक है? तो सबके कमेंट्स यही आ रहे हैं, ठीक है? 3 दिन में क्या हो जाएगा, ठीक है? तो भैया 3 दिन में जो भी हो जाएगा बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है? और 3 दिन के बाद ऐसा नहीं है कि मैं 3 दिन की है ना एक रट लगा के बैठ गया कि नहीं 3 दिन तक ही अनहाइड रखूंगा। अगर आप सीरियसली उन्हें पढ़ेंगे तो पढ़ लीजिए, मैं उन्हें 5 दिन 6 दिन परमानेंट अनहाइड ही कर दूंगा, ठीक है? बट मेरा मेन मोटिव था सिर्फ आपको सीरियस करना, आप सीरियस रहिए बस, ठीक है बेटा? चलिए बेटा, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू लेटर, ठीक है? कल मिलेंगे, और कल मेरी क्लास फिर से 8 से 9 हुई होगी, ठीक है बेटा? चलिए अब आप अपनी सीरियसली पढ़ाई करिए, खाना पीना खाइए आराम से, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। यस बेटा, मैं जा रहा हूँ, ओके, बाय बाय, कर दो।